search Tayo the Little Bus on YouTube. मिस्टर हर्ब की छुट्टी। दोपहर में धूप खिली हुई है। ओह, वो रहा टीटी पो। कितना अच्छा दिन है। काम करने के बाद अपने दोस्तों के साथ खेलने जाऊंगा। लू 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 ला ला ला। खेलने की बात सोचता हुआ टीटी पो रुकना भूल गया और स्टेशन से आगे निकल गया। रुको क्यों नहीं? मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। बाहर घूमने में बहुत मजा आएगा। हम स्टेशन पहुंच गए। ओहो, सारा टाइम खराब कर दिया। ये क्या किया? बात सुनो, तुम पिछले स्टेशन पर रुके क्यों नहीं टीटी पो? मुझे स्टूडियो पहुंचने में कितनी देर हो जाएगी अब? अरे नहीं, मैं भूल गया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको उसी स्टेशन पर ले जाता हूँ। वापस? बिल्कुल नहीं। अब हमें भी तो देर हो जाएगी अगर तुम पिछले स्टेशन पर वापस गए तो। अरे नहीं, अब मैं क्या करूँ? टीटी पो, क्या बात है? वो मिस्टर हर्ब, मैं एक स्टेशन पर रुकना ही भूल गया। भूल गए? इसलिए कुछ यात्री उतर नहीं पाए। ये क्या किया? देखता हूँ मैं। हाँ टीटी पो, थोड़ी देर में एरिक आएगा। जिनका स्टेशन निकल गया है उनसे कहो एरिक पर सवार हो जाए। जी। पता नहीं क्या हो रहा है। थोड़ा जल्दी क्यों नहीं करते? मैं आ गया। हेलो एरिक। मिस्टर हर्ब की वजह से एरिक वहाँ पहुँच गया। माफी चाहता हूँ, लेकिन जिन यात्रियों को पिछले स्टेशन उतरना था वो एरिक पर सवार हो जाएं। माफी चाहता हूँ। अच्छा, लेकिन तुमने ये अच्छा नहीं किया। मिस्टर हर्ब की मदद से टीटी पो अपने रूट पर आगे चल पड़ा। काम पूरा होने के बाद टीटी पो वापस शहर पहुँच गया। मिस्टर हर्ब अभी तक काम कर रहे हैं? ओहो, मैं माफी चाहता हूँ। ये मेरी वजह से हुआ होगा। बहुत बुरा लग रहा है। अगले दिन टीटी पो सुबह सुबह कंट्रोल सेंटर मिस्टर हर्ब के पास पहुँच गया। गुड मॉर्निंग मिस्टर हर्ब। तुम्हारी तो आज छुट्टी है, यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे चिंता हो रही थी क्योंकि आपने रात को देर तक काम किया। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आज मैं छुट्टी ले रहा हूँ। चीची और मैं मछली पकड़ने जाएंगे। अच्छी बात है। क्या मैं आपको वहाँ तक छोड़ आऊँ मिस्टर हर्ब? क्यों नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे खुशी होगी। टीटी पो मिस्टर हर्ब और चीची को झील के किनारे ले गया। लीजिए, हम पहुँच गए मिस्टर हर्ब। लो, हम पहुँच गए। यहाँ पहुँचाने के लिए शुक्रिया टीटी पो। कोई बात नहीं। क्या है वहाँ? कितना सुंदर दिख रहा है ये। धीरे चलो बेटा। अब मैं चलता हूँ, आपको लेने भी आ जाऊंगा। ठीक है, फिर से शुक्रिया टीटी पो। मजे कीजिएगा। लू 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 ला ला ला। उम्मीद है मिस्टर हर्ब अपनी छुट्टी पर बहुत मजे करेंगे। ओ? ये तो जीनी है। हेलो जीनी। ये बदबू कैसी है? टीटी पो, क्या हुआ तुम्हें? मैं खेत के पास से गुजर रही थी तब मुझ पर खाद लग गई। मुझे अभी काम पर भी जाना है। मिस्टर हर्ब से बात करनी पड़ेगी। मिस्टर हर्ब, रुको, ऐसा मत करो। मेरी वजह से मिस्टर हर्ब कल आराम नहीं कर सके, अगर हम अभी भी तंग करेंगे तो। जीनी, तुम्हारी जगह मैं चला जाऊं? तुम नहा लेना। लेकिन आज तो तुम्हारी छुट्टी है। तो क्या हो गया? मैं तब तक काम करूंगा जब तक तुम साफ होकर नहीं आ जाती। शुक्रिया टीटी पो। जीनी साफ होने गई और टीटी पो उसकी जगह काम करने लगा। हम स्टेशन पहुंच गए। शुक्रिया। आप सबका दिन अच्छा बीते। टीटी पो। ओ, जीनी। बहुत बहुत शुक्रिया, यहाँ से आगे मैं ले जाऊंगी। बाद में मिलते हैं जीनी। हाँ टीटी पो। अच्छा हुआ हमने मिस्टर हर्ब को फोन करके तंग नहीं किया। ओ, ये तो एरिक है।
चुप हो जाओ। मत रो। एरिक क्या हो गया? ओ टीटीपो, देखो ये बच्चा यहाँ स्टेशन पर खो गया है। जब तक इसकी माँ नहीं आती मैं इसका ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन ये चुप ही नहीं हो रहा है। ये डर रहा होगा। लगता है मुझे मिस्टर हर्ब को फोन करके बताना चाहिए। क्या? लेकिन मिस्टर हर्ब की तो आज छुट्टी है। हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन मैं इसका रोना बंद नहीं करवा पा रहा हूँ। मैं कोशिश करके देखता हूँ। हेलो, तुम्हारा नाम क्या है? हेलो जूनी। हाँ? गाना गाना चाहोगे? हाँ? गाना गाओ। टिटिपो टिटिपो टिटिले टिटिटिपो। तुम्हें ये गाना आता है ना? टिटिपो टिटिपो टिटिले टिटिटिपो। अच्छा है ना? मेरे साथ गाओ। पटरी पर दौड़े टिटिटिटिटिटिपो। जूनी क्या तुम कुछ और भी करना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूँ चूचू टाउन। चूचू टाउन, चलो चले। टीटीपो जूनी को चूचू शहर की सैर करवा रहा है। ये फ्यूल स्टेशन है। मजा आ गया। ये ऑडिटोरियम है और ये हमारे नहाने की जगह है। वाव। जब क्लॉक टावर से गुजरोगे तो हमारा घर दिखाई देगा। वाह, प्यारा है। अंदर से देखना चाहोगे? हाँ। ये कितना बड़ा है। इसकी छत कितनी ऊंची है। कितना अच्छा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा। टीटीपो तुमने बहुत मदद की। कोई बात नहीं। टीटीपो टीटीपो। आखिरकार जूनी की माँ आ गई। तुम दोनों का बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। ठीक है, अब हमें चलना चाहिए। जूनी गुड बाय कहो। टीटीपो एरिक गुड बाय। मैं तुमसे फिर से मिलने आऊँगा। फिर मिलेंगे। गुड बाय। मुझे खुशी हुई कि हमने मिस्टर हर्ब को तंग नहीं किया। मुझे भी। शाबाश टीटीपो। ओह हाँ, मुझे याद आया, मिस्टर हर्ब, मुझे उन्हें लेने जाना है। पता नहीं कोई मछली पकड़ी भी या नहीं। तो जल्दी जाओ तुम। हाँ। और इधर मिस्टर हर्ब आराम से मछलियाँ पकड़ रहे हैं। पता नहीं छोटी रेलगाड़ियाँ कैसे काम कर रही हैं। उम्मीद है कि कोई मुश्किल नहीं आई होगी। आ गई, पकड़ लिया। ओ सेल्फी सेल्फी। ओ और एक दो। अरे बाप रे, अब एक और मछली पकड़नी पड़ेगी। लू 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 ला ला ला। ओ ये तो लोको है। क्या कोई गड़बड़ है? तुम इतना धीरे क्यों चल रहे हो? टीटीपो, मेरे पास बहुत ज्यादा सामान है। मैं किसी और मालगाड़ी को कहता मदद के लिए, लेकिन इत्तेफाक से आज कोई मालगाड़ी थी ही नहीं वहाँ। अच्छा, लगता है मैं समय पर नहीं पहुँच पाऊँगा। मैं मिस्टर हर्ब को ये बात फोन करके बता देता हूँ। क्या? रुको रुक जाओ, अगर मैं तुम्हारी मदद करूँ तो? मदद करोगे? तुम्हें लगता है तुम कर पाओगे? हाँ बिल्कुल। अब जुड़ जाओ लोको। अच्छा ठीक है। तुमने मुझे डरा दिया चीची। अरे ये तो टीटीपो। क्या टीटीपो माल बोगियां ले जा रहा है? कहीं मेरी आंखों को धोखा तो नहीं हुआ? ठीक है, आओ बॉल से खेलते हैं। समुद्री जहाज के जाने से पहले टीटीपो और लोको वहां पहुंच गए।
मदद के लिए बहुत बहुत शुक्रिया टीटीपो। कोई बात नहीं टीटीपो। अरे बच्चे, तुमने तो कमाल ही कर दिया है। कुछ ज्यादा नहीं था। अब मैं चलता हूँ। लोको, फिर मिलेंगे शहर में। गुड बाय टीटीपो। शाबाश चीची। मिस्टर हब। हाय टीटीपो। शहर में सब ठीक ठाक रहा ना? क्या? हाँ, ऐसा कुछ नहीं जिसे हम ना संभाल सके। आपकी छुट्टी अच्छी बीती? बहुत अच्छा रहा। बहुत दिनों से इतना सुकून नहीं मिला था। ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। इस चीची ने भी बड़े मजे किए। चलो अब चलते। टीटीपो के कारण मिस्टर हर्ब की छुट्टी बहुत अच्छी बीती। शाबाश टीटीपो। मिस्टर हर्ब की पपी से दोस्ती। जिनी स्टेशन पर यात्रियों को उतारने जा रही है। हम स्टेशन पहुंच गए। शुक्रिया। थैंक यू जिनी। मेरा फर्ज था। गुड बाय। आपका दिन अच्छा हो। मेरा काम हो गया, अब घर चलती हूँ। तुम यहाँ कोनी? हेलो कोनी। जिनी, हाय। गुड आफ्टरनून। कितना प्यारा है, तुम कौन हो? ये प्यारा सा पपी कोंगी का बच्चा है। इसलिए शक्ल भी मिलती है। मिलती है ना? मैं चाहती हूँ कोई ऐसा मिल जाए जो इस पपी का ध्यान रखे। जो भी इस पपी को पालेगा किस्मत वाला होगा। तो इस पपी को तुम ही क्यों नहीं पाल लेती जीनी? मैं इसे पालूं? हाँ, तुमने कोंगी का बहुत ध्यान रखा था, इसलिए मुझे लगता है तुम इसे संभाल लोगी। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। चलो हम दोस्ती कर लें। पपी को लेकर जीनी चूचू टाउन में आ गई। मिस्टर हब, मिस्टर हब। ओहो, आज तो तुम बहुत खुश नजर आ रही हो जीनी। जी हाँ, क्योंकि मेरे पास दुनिया का सबसे प्यारा पपी है। चलो अच्छा है। मिस्टर हब, क्या हम यहाँ इस पपी को रख सकते हैं? क्या कहा, पपी को यहाँ रखना है? यहाँ एक डॉग को रखना तो बहुत मुश्किल होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ ऐसा करना मना है। मना है? अब मैं क्या करूँ? बात पूरी हो गई हो तो तुम जाकर आराम कर लो। ठीक है, बाय बाय मिस्टर हब। बाय बाय। वाओ, कितना प्यारा पपी है। मुझे पता है, मैं इसका अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, लेकिन मिस्टर हब क्यों नहीं मान रहे? याद आया, शायद मैंने स्टीम से सुना था कि मिस्टर हब को डॉगी से डर लगता है। सच में? मुझे बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें ये पपी वापस करना पड़ेगा। सच कह रहे हो? मैं अपने प्यारे पपी को वापस कैसे करूं? मैं इसे सबसे छुपा कर पालूंगी। क्या? तुम मेरे साथ घर चलोगे पपी? शायद ही काम कर जाए। अगला दिन शुरू हो चुका है और जीनी अपने काम पर जाने वाली है। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी, यही इंतजार करना। शैतानी मत करना। लंच का टाइम हो गया। खाना खा लेता हूँ। ये आवाज कैसी है? भाग जा, भाग जा। केला चाहिए? ये लो। जी, चेक करने के लिए शुक्रिया।
किसी ने अभी तक गुम हुए पपी के बारे में पूछताछ भी नहीं की। चलो अच्छा है अपने घर गया। अगले दिन की शुरुआत। टहलने के लिए ये मौसम बहुत ही अच्छा है। भाग जाओ यहाँ से। बार बार क्यों आ जाते हो? तुम्हें फिर से भूख लगी है? खाना बाहर मिल जाएगा तो अंदर नहीं आएगा। तुम यहाँ बैठकर खाना चाहते हो? शैतान पपी, इसी जगह पसंद आ गई है। धीरे धीरे मिस्टर हर्ब का डर दूर होने लगा। बारिश बहुत तेज हो रही है। प्यारे पपी, तुम तो भीग गए। टिटीपो टिटीपो, मैंने तौलिया कहां पर रख दिया? मिल गया। तो तुम्हें ठंड लग रही है? अच्छा लो, पहुंच दिया। अच्छा ठीक है, ये लो। ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो। लगता है इसका कोई मालिक नहीं है, इसे यहीं रख लेता हूँ। मुझे याद आया, जीनी, यहाँ पर एक डॉग को रखना बहुत मुश्किल होगा। परेशानी ये है कि मैं तो खुद जीनी को मना कर रहा था। ओ जीनी, तुम आ गई, तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी हाँ। ये तो किसी पपी की आवाज लगती है, क्या हो रहा है? जीनी ने आवाज तो नहीं सुनी होगी। अब मैं जा रही हूँ मिस्टर हर्ब। जल्दी जाओ और थोड़ा आराम कर लो। कहीं पपी बाहर तो नहीं आ गया? अच्छा मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। बहुत शैतान हो तुम, जाना चाहते हो? बाय बाय। ये हर रोज कहाँ जाता है? आ गए तुम, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। कल मेरी छुट्टी है तो हम पूरा दिन खेलेंगे। अगले दिन की शुरुआत। और मिस्टर हर्ब परेशान है क्योंकि हर रोज आने वाला पपी आज नहीं आया। आज वो आया क्यों नहीं? कहीं उसके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो गई? तुम फिर से खेलना चाहते हो? जीनी, जीनी। जी मिस्टर हर्ब। क्या तुम मुझे चूचू टाउन का एक चक्कर लगवा सकती हो? मुझे कुछ ढूंढना है। जरूर, मदद करके अच्छा लगेगा। धन्यवाद। कोई बात नहीं, मैं अभी नियंत्रण कक्ष की तरफ जा रही हूँ। अभी आती हूँ, यहीं पर इंतजार करना। मिस्टर हर्ब। जीनी, बड़ी जल्दी आ गई। जी, तो बताइए आपको क्या ढूंढना है? कुछ ऐसा है जो मेरे लिए कीमती है। ठीक है। जीनी की मदद से मिस्टर हर्ब चूचू टाउन के कोने कोने में तलाश करने लगे। यहाँ पर भी नहीं है। अरे हाँ, हमने तुम्हारा कमरा तो देखा ही नहीं। क्या, मेरा कमरा? जल्दी चलो,
क्या तुम मुझे अपने कमरे में ले चलोगी? ठीक है, अरे नहीं। क्या यहाँ भी नहीं है? नहीं, लगता है यहाँ भी नहीं है। तो फिर कहीं और देखना चाहिए। ठीक है। फस गई मैं। शैतान पपी, तुम यहाँ हो मेरे प्यारे बच्चे। ओ, ओ, अजीब बात है, आपको डॉगी से डर नहीं लगता मिस्टर हर्ब? असल में जिसे मैं ढूंढ रहा था वो ये छोटा पपी है। क्या? इसका कोई मालिक नहीं है, ये हर रोज मेरे पास आ रहा था और हमारी दोस्ती हो गई। मिस्टर हर्ब, मुझे आपको एक बात बतानी है। तो मैंने तब जीनी ने मिस्टर हर्ब को सारा सच बता दिया। ओह, ये बात है। मुझे माफ कर दीजिए। देखो जीनी, कैसा रहेगा अगर हम मिलकर इस पपी की चूचू टाउन में देखभाल करें? सच में मिस्टर हर्ब? वाह, मजा आएगा। ये बताओ इसका नाम क्या रखें? चीची कैसा रहेगा? अब ये हमारे शहर में रहेगा तो मिलता जुलता नाम रखना चाहिए, चूचू से चीची। चूचू टाउन का चीची बहुत प्यारा नाम है। टीटीपो। तुम्हारा काम खत्म हो गया? जी बिल्कुल। अच्छी खबर सुनो, हमने तय किया है कि ये पपी चूचू टाउन में रहेगा, इसका नाम है चीची। वाह, बहुत बढ़िया, चीची नाम भी बहुत प्यारा है। अब से हम सब अच्छे दोस्त हैं चीची। हाँ, अच्छे और पक्के दोस्त। अब चूचू शहर में एक नया दोस्त आ गया है, तुम्हारा स्वागत है चीची। मिस्टर हर्ब के लिए मुश्किल भरा दिन। एक खूबसूरत सुबह की शुरुआत। आज देखते हैं मिस्टर हर्ब क्या काम करते हैं। लोगों की शिफ्ट शुरू होने वाली है। ठीक समय पर आए लोगो। हाय मिस्टर हर्ब, गुड मॉर्निंग। आज का तुम्हारा दिन अच्छा बीते लोगो। शुक्रिया, लौट कर आपसे मिलता हूँ। बाय। ये तो बंदरगाह जा रहा है। ओह, गलत डिब्बे। लोगो, तुम गलत डिब्बे ले जा रहे हो। लोगो, मेरी आवाज नहीं सुन पाया। कहीं ज्यादा दूर ना निकल जाए। ओह, अरे नहीं, मेरी चाय। ये क्या हो गया? अरे, मेरी केतली भी गई। अब क्या करूं? पहले मुझे लोगों से बात करनी चाहिए। लोगों, लोगों। ला ला ला, ला ला ला। लो, लो। ओह, ऐसा लगा मैंने कोई आवाज सुनी अभी। कान बज रहे होंगे। लोको, लोको। ये क्या? शायद मेरा माइक खराब हो गया। हेलो मिस्टर हर्ब। कौन आया है? टीटीपो, क्या बात है? क्योंकि आज हमारी छुट्टी है, डीजल जीनी और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं। घूमने? ओह ठीक है, जाओ मौज करो। मुझे जाना होगा। बाय। मिस्टर हर्ब आज अजीब हरकतें कर रहे हैं। जल्दी चलूं। मिस्टर हर्ब, क्या आप ठीक हैं? कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया है, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। क्या रेडियो? इसका मतलब आप बाहर काम करने वाली रेल से बात नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल ठीक, मैं लोगों को बताना चाहता था कि वो गलत डिब्बे ले जा रहा है, लेकिन बता नहीं पाया। क्यों ना मैं लोगों को मालबूगी पहुंचा दूं? लेकिन तुम तो घूमने जा रहे हो ना? मैं कभी और चला जाऊंगा, आज यहीं रुककर आपकी मदद करूंगा। ठीक है, थैंक यू टीटीपो। जी। डीजल और जीनी को बता दूं, मैं उनके साथ नहीं जा सकता। रेडियो सिस्टम खराब हो गया है? हाँ, क्या सच में? बहुत बुरा हुआ। मैंने सोचा है आज मैं मिस्टर हर्ब की मदद करूंगा, तुम दोनों मेरे बिना चले जाओ। ठीक है। तो ठीक है फिर।
ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है। जी सिल, तुम भी मिस्टर हर्ब की मदद करना चाहते हो? ठीक है, चलो चलते हैं फिर। मिस्टर हर्ब। या, हा, हा, बोलो, क्या बात है? चिचिपो ने बताया क्या हुआ? हमने सुना आपका रेडियो खराब हो गया। ठीक सुना, टीओ कुछ पार्ट्स लेने गया है, इसलिए ठीक होने में समय लगेगा, बड़ी मुश्किल है। क्या हम भी आपकी मदद कर सकते हैं? अभी अभी मुझे खबर मिली है कि सिंह सिंह चौराहे के बीच में खराब हो गई है। वो चल नहीं पा रही। मुसीबत ये है कि फिक्स और लिफ्ट कहीं और हैं और सिंह सिंह की मदद के लिए नहीं पहुंच सकते, इसलिए परेशान हूँ। चिंता छोड़िए, मैं सिंह सिंह को खींचकर प्रोडक्शन प्लांट ले जाऊंगी। तुम ये कर दोगी? जरूर, मैं जल्दी वापस आती हूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर हब, मैं क्या करूँ, मैं भी मदद करना चाहता हूँ। यही इंतजार करो डीजल। ठीक है। डीजल जी, मैनी और बर्नी बंदरगाह में हैं। क्या तुम उन्हें कुछ माल बोगी पहुंचा दोगे? जरूर, समझिए काम हो गया आपका। जैसे ही लोको काम पर पहुंचा, उसे पता चला कि वो गलत माल बोगी ले आया है। लोको, हम इन बोगियों में सामान नहीं रख सकते। हाँ, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए प्लीज, मैं अभी मिस्टर हर्ब से बात करता हूँ। ठीक है। मिस्टर हर्ब, सुनिए मिस्टर हर्ब, मिस्टर हर्ब, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे अब? लोको! ओ? लोको! टिटिपो! मैं तुम्हारे लिए ठीक माल बोगी ले आया। हाँ? सच में? और शुक्रिया, तुम्हें किसने बताया कि मुझे ये चाहिए? मुझे मिस्टर हर्ब ने बताया। उन्होंने बताया? मैंने उन्हें फोन किया, वो जवाब क्यों नहीं दे रहे? कंट्रोल सेंटर का रेडियो खराब हो गया, इसलिए मैं उनकी मदद कर रहा हूँ। उनकी मदद? जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं भी उनकी मदद करूँगा। हाँ, ये अच्छा रहेगा। टिटिपो, टिटिपो। मैं तो आज बहुत देरी से पहुंचूंगा। सिंह सिंह। ओह, हाय जीनी। एक मिनट रुको, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। ओह, शुक्रिया। सिंह सिंह को अपने साथ जोड़कर जीनी उसे ठीक कराने ले जा रही है। सच में? हाँ, रेडियो खराब है, मिस्टर हर्ब फिक्स से बात नहीं कर पा रहे थे, तो मैं आ गई। तो मैं भी मदद करूंगी, चेकअप के बाद मैं सीधा मिस्टर हर्ब के पास जाऊंगी। अच्छी बात है। डीजल मैनी और बर्नी के लिए माल बोगियां लेकर बंदरगाह पहुंच गया है। डीजल, तुमने मैनी और बर्नी को देखा है क्या? शायद मैंने उन्हें शहर वापस जाते देखा है। शहर चले गए? हमने एक दूसरे को देखा नहीं होगा। बहुत बुरा हुआ, चूचू शहर में सारी गड़बड़ मेरी वजह से हुई है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैनी और बर्नी का सामान डीजल लेकर जा रहा है। मिस्टर हर्ब। ओ टियो, देरी के लिए माफी। कोई बात नहीं। लगता है इसे ठीक करने में थोड़ा वक्त लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं? अब तक तो सब ठीक ही चल रहा है, छोटी रेलगाड़ियां मदद कर रही हैं। ये तो अच्छा है। ओह, पटरी पर चट्टानें गिर गई हैं और एरिक इसी रूट पर गया है। अगर उसे जल्दी नहीं बता पाया तो हादसा हो सकता है। हादसा? इसे टाल नहीं सकते, मुझे खुद जाकर उसे बताना होगा। टियो, तुम माइक ठीक करो, मैं आता हूँ। ठीक है, मैं ठीक कर दूंगा। मैं तुम्हारा स्कूटर ले जाऊं। मेरा स्कूटर? थैंक्स। एरिक को हादसे से बचाने के लिए मिस्टर हर्ब तेजी से जा रहे हैं। थोड़ा सा और आगे जाना है। एरिक! एरिक! ये स्कूटर की रफ्तार क्यों कम हो गई? ये क्या, पेट्रोल खत्म हो गया क्या? रुको, एरिक, इस रूट पर खतरा है। एरिक! कितना अच्छा मौसम है। एरिक!
मिस्टर हर्ब, क्या कोई दिक्कत है? एरिक के रास्ते पर चट्टाने गिरी हुई हैं, मुझे उसे रोकना है। क्या तुम मुझे ले चलोगे? क्यों नहीं, जल्दी बैठिए आप। एरिक! 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 लगता है इतनी दूर से एरिक तक आवाज नहीं पहुंच रही। और हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा जल्दी चलो। कोशिश करती हूँ उसके नजदीक पहुंचने की। एरिक! मैं क्या करूँ? स्टेशन आ गया। एरिक, माफ करना, एरिक, जरा हटिए। अब अगले स्टेशन की तरफ चल रहे हैं हम। रुको, रुक जाओ एरिक। एरिक, मिस्टर हर्ब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें कुछ बताने आया हूँ। अगले स्टेशन के रास्ते में पटरी पर कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें गिर गई हैं, इसलिए तुम्हें दूसरे रास्ते से जाना होगा। बताने के लिए शुक्रिया, लेकिन मिस्टर हर्ब, आप इतनी दूर क्यों आए? आप ये तो मुझे रेडियो पर भी बता सकते थे। ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा एरिक, यात्री तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम्हें अब जाना चाहिए। ठीक है, शहर आकर मिलूंगा। ठीक है, शुक्र है। मिस्टर हर्ब के छोटे साथी वापस शहर आ रहे हैं। चीनी, डीजल, टिटिपो। बाहर जाकर खूब मस्ती की तुमने? हमने सोचा कि हम भी नहीं जाएंगे। यहीं रुककर मिस्टर हर्ब की मदद की, अच्छा किया। मुझे पता नहीं था मिस्टर हर्ब के पास इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे भी नहीं पता था। हैरानी की बात है कि वो इतने सारे काम हर रोज अकेले करते हैं। सही कहा। टिटिपो, चीनी, डीजल। ओह, मिस्टर हर्ब, क्या रेडियो ठीक हो गया? ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छा हुआ। सुनो, तुम सबका शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं अपना काम कर पाया। तुम सबने आज मेरी बड़ी मदद की। मैंने हमेशा तुम्हें छोटा बच्चा समझा, लेकिन आज नहीं। हमने कमाल का काम किया। जब भी आपको मदद चाहिए हो हमें बता दीजिए मिस्टर हर्ब। आप विश्वास कर सकते हैं, हमेशा हाजिर रहेंगे आपके तीन शैतान। ठीक है। छोटी रेलगाड़ियाँ पूरा दिन मिस्टर हर्ब की मदद करने में लगी रहीं। तुम सबने बहुत अच्छा किया, शाबाश।